पारंपरिक एवं आधुनिक आभूषणों का संगम भूषण ज्वेलर्स सोलन में भूषण ज्वेलर्स 4 साल से लोगों की पहली पसंद बन गया है। अब आपको चंडीगढ़, दिल्ली, अंबाला जैसे आभूषण सोलन में ही मिल रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स के MD विनय गुप्ता का कहना है कि अब सभी लोगों के सोना पहनने का ख्वाब पूरा हो सकेगा। इसके लिए नामात्र जमा पूंजी पर किटी खोलकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भूषण ज्वेलर्स मौका प्रदान करता है और विवाह शादी के ग्राहकों के लिए भूषण ज्वेलर्स द्वारा विशेष उपहार दिए जाते हैं। त्योहारी सीजन में सौभाग्य उत्सव योजना के तहत ग्राहकों को इयोन कार, 5 स्कूटी और ढेरों आकर्षक उपहार दिए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में जारी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में राजगढ़ के आसरा संस्था के कलाकार जिला सिरमौर की हाटी संस्कृति का बखूबी प्रदर्शन कर दर्शकों को भाव विभोर कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पटियाला द्वारा यह आयोजन 7 से 23 दिसंबर तक किया जा रहा है और पहले 5 दिन आसरा संस्था के लोक कलाकारों को हिमाचल की ओर से जिला सिरमौर के पारंपरिक लोक नृत्यों को प्रदर्शन का अवसर मिला है। संस्था के 16 कलाकारों ने विद्यानंद सरैक व जोगिंद्र हाबी के निर्देशन में तैयार की गई लोक नृत्यों की आकर्षक लोक लुभावनी विद्याओं द्वारा पर्यटकों का भरपूर मनोरंजन किया। ब्रह्म सरोवर के खुले मंच पर पूरे भारतवर्ष से आए कई सांस्कृतिक दलों में आसरा संस्था के कलाकार प्रदेश की लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों से अलग पहचान बनाने में सफल रहे। महाभारत काल से संबंधित जिला सिरमौर के ठोडा नृत्य को भी दर्शकों ने खूब सराहा। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन भारद्वाज के साथ नितिन वालियात की रिपोर्ट।